ये हम प्रवेश द्वार है, यहाँ प्रवेश करते हैं और यहाँ कितने श्री हरि चरण बिंद, श्री हरि चरण बिंद 16 मांगलिक चिन्हों से अंकित ये श्री हरि चरण बिंद इस धरा पर भगवान श्री स्वामी नारायण विक्रम संवत 1837 से 1886 सन 1781 से 1830 के दिव्य अवतरण की स्मृति में स्थापित किए गए हैं। भगवान स्वामी नारायण की सहस्त्रों चरण मुद्राएं अनेकों वस्त्रों पर आज भी विद्यमान हैं, जो कई मंदिरों एवं घरों में श्रद्धा के साथ पूजित होती हैं। श्वेत संगमरमर से शिल्पकृत इस श्री हरि चरण बिंद पर जल धाराओं का अभिषेक भगवान स्वामी नारायण के ऐतिहासिक जीवन एवं कार्य के प्रति भावांजलि अर्पित करता है, जो कि ये भगवान के चरणों के ऊपर जल जल चढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कितने तो सुंदर ये लग रहा है, और ये स्टार्टिंग में प्रवेश द्वार के सामने बनाया हुआ है, और ये भगवान जी के चरण बनाए हुए हैं जो कि इस तरह से बनाया हुआ है। मैं स्वास्थ्य और सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जैसे स्वास्थ्य बनाए हुए हैं, स्वास्थ्य के अंकुश है, कोमल है, ध्वज है, ब्रजा जम्मू जम्मू और उधावर का जावा मीन सब कुछ इसमें दिए हुए हैं। आप देख सकते हो कि हमारी सीढ़ियाँ हैं, इनके माध्यम से ऊपर चढ़ना है। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा दिया हुआ है। एक झलक पूरे देखते हैं मंदिर की, थोड़ा मौसम अच्छा है ये थोड़ा सा, ये देखिए कितना सुंदर झलक, कितना सुंदर मंदिर नज़ारा है। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, भगवान राम जी के चरणों में दर्शन करते हैं। भगवान राम जी के चरण और राम जी का मंदिर है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। हनुमान विराजमान है, और ये जो कितनी अच्छी कलाकारी इसके अंदर की गई है, पूरे पत्थर की डिजाइनें जो कि बहुत ही अच्छी तरह से की गई है, और इसमें भी राम शब्द जो लिखा हुआ है जो कि आदर्श रूप से है, बहुत गहराई से अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आएगा। ये आप देख सकते हो, देख सकते हो पूरे पत्थरों पर कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये देखिए कितनी सुंदर कितना अच्छा बनाया हुआ है। ऐसा नवाब बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये बहुत ही ऐतिहासिक इमारत मानी जा रही है, तो दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है सेम उसी तरह से बनाया गया है, और यहाँ पर पूरा ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर पेश, कितना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी की दरबार है, यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी का दर्शन कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी के दरबार है, कितनी सुंदर कितनी मोहक मूर्ति है, और ये आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कितनी सुंदर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पूरा पीताम्बर, पूरे पीताम्बर वस्त्र पहने हुए बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं। बोलो सिया पुत्र रामचंद्र की जय, बोलो श्री कृष्ण श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। बिल्डिंग का जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के पास से निकलती है, नज़ारा काफ़ी मनमोहक नज़ारा है, और ये बहुत ही सुंदर जो कि
बना हुआ है पीर, जो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हो कितना सुंदर है। यहाँ पर बहुत ही बीच में शानदार कलाकृति साल में अच्छी अच्छी जो है बनाए हुआ डिजाइन बनाए हुए। अब ये श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण जी की मूर्ति है, ये आप देख सकते हो कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं भगवान श्री। ये आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। ये सफाई कर्मचारी जो है इसमें सफाई कर रहे हैं अपने काम से, और ये मंदिर का नज़ारा आप देखते हो काफ़ी सुंदर नज़ारा, मनमोहक नज़ारा है जो कि आप देख सकते हो। बहुत लोग यहाँ पर घूमने आए हुए हैं और यहाँ आते रहते हैं। ये देखिए डिजाइन जो बनाई हुई, कितनी सुंदर डिजाइन से बनाई हुई है, कितने सुंदर बतख इसके अंदर बनाई हुई है, एक खम्भों के अंदर एक खम्भों पर जा रहे हैं। और ये सारे डिजाइन आप देख सकते हैं। और ये देखिए मंदिर में पत्थर से ही कितनी सुंदर धन्वंतरी भगवान की मूर्ति, और ये अन्य भगवान की मूर्ति बनाई हुई है आप देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा वो दिया हुआ घुमत दिया हुआ पत्थर आप देख सकते हैं। गुरु हरि बाबा की जय, बोलो शिव शंकर महाराज की जय, बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो परमात्मा की जय। ये देखिए महादेव बाबा और पार्वती माता और गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं ये यहाँ पर। महादेव बाबा भोले बाबा कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। और ये इधर से कितना सुंदर डिजाइन है, कितना सुंदर ये एरिया बनाया हुआ, बहुत ही सुंदर मनमोहक एरिया है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ मेहंदी के और उनके पत्तों से है। प्रकृति का नज़ारा यहाँ आप देख सकते हो, कितना सुंदर प्रकृति के माध्यम से सजाया हुआ है ये आप देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है। लोग कितने अच्छे से यहाँ पर घूम रहे हैं। और अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर देखते हैं ये कितना अच्छा गार्डन है जो कि देखने देखने लायक है। यहाँ बहुत सुंदर गार्डन बनाया हुआ है। हम इसी रास्ते से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद फिर देखते हैं गार्डन की तरफ चलेंगे। ये मंदिर के दोनों साइड में जो कि प्रकृति के माध्यम से पौधों के द्वारा कुंभ कलश बनाया गया है, एक कुंभ कलश आप देख सकते हो, एक कुंभ कलश इधर है इस साइड में और ये दूसरा मंदिर के इस साइड में, दोनों साइड में कुंभ कलश बनाया हुआ है। तो ये दोनों कुंभ कलश हम देखते हैं तो मंदिर की छटा बहुत ही सुंदर लगती है। अब हम मंदिर के बाहर से दर्शन करेंगे। ये देखिए मंदिर का नज़ारा बाहर से देखते हैं काफ़ी दूर से, इतना सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर नज़ारा है। आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ यार एक बार मंदिर के दर्शन करने चाहिए। यहाँ से मंदिर साफ नज़र आता है। ये देखिए मंदिर कितना सुंदर नज़ारा, मंदिर का इतना सुंदर नज़ारा है मंदिर का। यहाँ पे एक बार आप ज़रूर आइए और देखिए, आपको महसूस होगा कि प्रकृति क्या चीज़ है, प्रकृति की नज़ारे यहाँ महसूस होंगे आपको लगेगा, और देखकर आपके मन को शांति मिलेगी। अतः आप लोगों का अनुरोध है कि आप एक बार आकर के मंदिर के दर्शन कीजिए और यहाँ की शोभा देखिए। और कुछ आप देख सकते हो बहुत सुंदर लगा, और इसी समय कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।